हेलो हाँ जी, हाँ सर, मुझे आराम नहीं मिल रहा है। जी, आराम नहीं मिल रहा है हमें क्या हुआ अभी? नहीं अभी। ये पेट मतलब लाइटिंग नहीं उतर रही है 2 दिन से, हो रही है, कोई बात नहीं। और क्या हुआ? और उसके बाद जैसे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं और गैस ज्यादा बन रही है। वो मैं ज्यादा दर्द कर रहे हैं। आपको एक्सरसाइज नहीं भेजी थी मैंने? करी भेजी थी, हाँ थी, पहले करी करी थी एक बारी करी थी। जी। करो ना उसको, दिन में 10-15 बारी करो। अरे कब तक ठीक हो जाएगा? तो घर वाले बोल रहे हैं दवा खाइए, दवा नहीं खा रहे हो। तो जब दवा खाते थे उस समय इससे बेटर था, तो दवा खा लो। वही से अगर प्रॉब्लम आपको हो दवा रहा खाने से आराम था तो दवा खा लो, कोई मना ही थोड़ी है दवाई खाने से। है। अच्छा, वही आपसे पूछ वो रहे तो हैं आपको डॉक्टर डिसाइड करना है ना कि आप पहले दवा खा के ठीक चल रहा था या अभी ज्यादा ठीक चल रहा है। मतलब कब तक लगेगा, समय कब तक लगेगा सर? आप ये बताओ ना, दवा खा के ज्यादा बेटर फील कर रहे थे आप? मैं दवा मैंने बहुत ज्यादा करा, कुछ फायदा नहीं कर रहा था। हाँ तो नहीं करा था तो फिर करते रहो, इसको इसको पैसे तो बच ही रहे ना कम से कम। अगर आप ये सोचो कि दोनों करके आपको ज्यादा फायदा होगा तो वैसा नहीं होगा। वो तो सही है। अभी क्या प्रोग्राम है, कितना पानी पी रहे हो आजकल? आज आपने बताया था कि ज्यादा पानी बढ़ा लीजिए, बुखार आ गया था ना हमें, हाँ, तो आज मैंने पानी बढ़ाया था, वही 8-8 गिलास हो गया एकदम जी। 8-9 हो गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क क्या, लेटिंग उतरने लगे, साफ होने लगे, तो मान लो बीमारी आधी खत्म हो गई। अरे लैट्रिन को छोड़ दो ना, लैट्रिन से कुछ नहीं होता 2-4 दिन ऊपर नीचे होने से। नहीं बराबर, जब से मैंने 2 महीना होने वाले हैं, जब से लेटिंग ही मेरी साफ नहीं होती है ना। अरे वो मैं कहता रहा हूँ कि उससे कुछ नहीं होता, आप लैट्रिन को दिमाग से निकाल दो ना। लैट्रिन आ जाती है 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में एक बार अच्छे से आ जाती है, काफी है वो। अच्छे से नहीं होती ना, यही तो प्रॉब्लम है सर। तो मतलब 2 महीने में 1 बार भी नहीं अच्छे से हुई? नहीं वही, पूरा पेट साफ ही नहीं होता मेरा। ये तो नहीं होता है, कभी तो होती है। मैं रोज तो मैं मानता हूँ कि रोज हर बार अच्छा नहीं होता, पर 10 दिन में 15 दिन में 1 बार तो होता है। पहले नहीं हो रही है, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें लगता है पाइल्स की वजह की आपको हो क्या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी या पाइल्स की थी? ओ, उसकी थी कि डायरिया? रही। पहले हमें लैट्रिन मतलब कर रहे थे तो बार बार लैट्रिन जाते थे, मगर लैट्रिन उतरती नहीं थी, हल्का होती थी। फिर उसके बाद आराम हो गया, काफी दिन आराम हो गया। भर्ती उर्ती मैंने देखा, रेस वेस उसमें लगी, मेडिकल में अनफिट हो गया था, मैं गिर गया था तो हाथ में लग गया था मुझे, तो उसमें मेडिकल अनफिट हुआ। उसके बाद मुझे लैट्रिन बहुत बार बार जाना पड़ता था, लैट्रिन के साथ आँव आता था, म्यूकस, और जलन भी होती थी पेशाब में और तो अब लैट्रिन की आपको बार जगह बार नहीं जाना पड़ रहा ना? जी। अब तो नहीं जाना कोई पड़ता बात है, नहीं, 2-4 दिन और वेट करो, देखो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वही तो।